अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है, पाकिस्तान की अवाम अभी तक सॉरी ये मुसलमान नाम होने के सिर्फ नाम मुसलमान है, बाकी काम उतरे हुए हैं सबके। आजकल कोई मुसलमान नहीं, इतने धमाके हो रहे हैं हमारी मस्जिदों पे, क्या कर रहे हो? पाकिस्तान आज तक सोया हुआ है, उठने का नाम नहीं ले रहा है। और जो मुल्क हैं वो उसको उन लोगों को जवाब दे रहे हैं काफरों को, ये काफ़र हैं जो मस्जिदों पे हमले करते हैं, वो काफ़र है। मैं आज भी कहता हूँ वो काफ़र है, कल भी काफ़र है, उनके वो दोज़की हैं। ये इधर हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह जो भी मुसलमान हैं आजकल नाम के मुसलमान हैं, कहाँ हैं? सब सो रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। और हमारे जो सीटों बड़ियों पे ओहदों पे बैठे हैं जो भी हैं ना, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी सो रहे हैं, वो अपने बस अपने घर भरने के चक्करों में ये काम हो रहे हैं। तो इसी वजह से मैं पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान आवाम की मुसलमान है उनको मैं कहता हूँ, तो उनको जवाब दो कुत्तों को, काफरों को जो हमारी मस्जिदों पे हमला करते हैं, काफरों को जवाब देना चाहिए, ज़रूरी है काफर को जवाब देना। क्योंकि नहीं आज हम जवाब देंगे, ये कल काफर हावी हो जाएंगे हमारे मुसलमानों पर। इसी वजह से कुछ मैं हाथ जोड़ के आप सबको अपील करता हूँ, उठो मुसलमानों, उठो 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 मुसलमानों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखी करेगा उनके लिए उठो, उनको ज़िंदा नहीं छोड़ो, काफरों को काट के फेंक दो। मैं यही कहता हूँ, काफर पहली बार में काफर जे अगर कोई मेरी वीडियो काफर देख रहा है तो समझ जाओ काफरों, नहीं हम उठें मुसलमान तो काफरों की हम ख़त्म कर देंगे, नस्लें ख़त्म कर देंगे काफरों की। मुसलमानों को मैं अपील करता हूँ, काफरों को जवाब दो, कुत्तों को जवाब दो। हर मुल्क जो भी है मुल्क वो काफरों को जवाब देता है, जो भी हमारे मुसलमान हर मुल्क पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान हैं सब जवाब देते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो पाकिस्तानियों, जवाब दो उन काफरों को, जवाब दो। और जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी वो बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं, सब पैसों की लालच में अपने घर भर रहे हैं, हर अपना घर भर रहा है, कोई उनको यही नहीं है कहाँ मस्जिद काफर हमले कर रहे हैं। नहीं तो काफरों की मजाल जो हमारी मस्जिदों पे हमला करे,